कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू से ईडी लगातार दो दिनों से पूछताछ कर रही थी। लोकसभा बजट सत्र छोड़कर राज्यसभा सांसद धीरज साहू ईडी की कार्रवाई में सहयोग करने के लिए शनिवार नियत समय 11 बजे पर ईडी कार्यालय पहुंचे थे। एक दिन की पूछताछ में संतुष्ट नहीं होने पर ईडी के अधिकारियों के द्वारा उन्हें दूसरे दिन यानी कि रविवार भी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। इस पूछताछ के दौरान धीरज साहू ने कबूला कि गुरुग्राम स्थित फ्लैट धीरज साहू का ही है, जो कि उनके नाम पर नहीं था। वहीं पूछताछ के बाद ईडी कार्यालय से बाहर निकलते हुए धीरज साहू ने पहली बार मीडिया कर्मियों से बातचीत की है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए धीरज साहू ने कहा कि उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया गया, बल्कि कागजी कार्रवाई हुई है और उन्होंने ईडी के इस कार्रवाई में बस सहयोग किया है। दूसरे दिन के पूछताछ तो नहीं हुआ, बस केवल लिखा पढ़ी जो होता है वो लिखा पढ़ी हो रहा था, उसको हम सपोर्ट कर रहे थे, पर इतने ही जानते हैं कि आगे कुछ न पीछे काम थे। केस ही संबंधित है ना, हम अपना बिहार को नोट करा रहे थे बस। जी सर। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।